यहाँ एक तरफा यहाँ लोक दल है। देवेंद्र निम ने इस गांव में ईट बिन लगा रखी। या कोई किसी के वो तेरी वगैरह हो सब आते हो वैसे भी। चो तेरी में कौन सा विकास हो तो अपना विधायक देख का हमारा मुल्लू बनेगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंदा। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में सहारनपुर मंडल की सभी सीटों पर तकड़ा मुकाबला होगा। ये क्षेत्र चुनावी योद्धाओं की परीक्षा तो लेगा ही, लेकिन जज्बातों और मुद्दों की तपिश भी था लेगा। मुजफ्फरनगर शामली में किसान आंदोलन का असर दिखाई देगा। सहारनपुर मंडल में जज्बातों का तूफान है। कृषि कानून भले ही वापस ले लिए गए हों, लेकिन अभी भी यहां की फिजाओं में सवाल तो है ही। पलायन का मुद्दा भले ही पुराना हो, लेकिन अभी भी तपिश बरकरार है। वहीं धार्मिक संप्रदाय की जो लक्ष्मण रेखाएं हैं, वो बदस्तूर हर चुनाव में देखी जाती है। और इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर मनिहारन क्षेत्र के कुकावी गांव में, जहां पर जाटों की आबादी 70% है। यहां पर लोग मौजूद हैं और चुनावी चर्चा पर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश चौधरी। तो क्या लग रहा है, किस तरह से देखते हैं सन 2022 को? हम तो आरएलडी के साथ हैं जी। आरएलडी के साथ है, क्यों? ऐसा क्या कर दिया? अपनी पार्टी है जी, पुरानी है। पुरानी पार्टी है तो योगी सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं आप? ना जी। तो किस तरह का कार्यकाल होना चाहिए था योगी सरकार में फिर? हमारा तो गन्ने का हिसाब है जी। तो योगी सरकार तो कह रही 14 दिन में गन्नों का। कहाँ इब लो, कहाँ 14 दिन लो दिया? हुआ नहीं। तो क्या कहना चाह रहे? अब इलेक्शन के टाइम पर कुछ जल्दी सी करिए, नहीं पहले तो एक महीने में 10 दिन का आया। अच्छा, तो किसे देखते हैं सन 2022 में? हम तो आरएलडी को देखना चाहते। टक्कर में तो बहुत लोग खड़े हैं भाजपा से। हाँ जी, देवेंद्र निम भी खड़े हैं। कैसे देख रहे हैं फिर बज्जी? देखो बज्जी, हम तो आरएलडी के आदमी हैं बस। आरएलडी के? हाँ जी। आपका नाम? विनोद कुमार। तो आप किसके समर्थन में हैं? हम आरएलडी के हैं जी। आरएलडी के? हाँ। तो यहाँ से विवेकांत जी हैं। हाँ जी। और उनके सामने भाजपा से देवेंद्र निम भी है। हाँ जी। तो कैसे देखते हैं? देवेंद्र निम जब से बने हैं यहाँ पता कभी आए नहीं, बस अब आए थे चुनाव प्रचार करने, बाकी उसके बाद मत पहले तो कभी आए नहीं। कार्यकाल कैसा रहा उनका? बस ठीक है, गन्ने के बारे में, हमारे गन्ने की फसल है, हम उसका बारे में कोई सोचते नहीं। तो अपने सरकार में तो गन्नों का भुगतान भी हो रहा? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 14 दिन में कह रहे हैं मतलब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमारा पिछले साल का बकाया पड़ा, पिछले साल का बकाया है, अभी 1.5 महीने का पिछले साल का बकाया है। तो क्या लग रहा है अगर सपा सरकार आ जाती तो किस तरह के सुधार होंगे किसानों के लिए? किसानों के लिए सपा सरकार में चीनी मिल चलने से पहले भुगतान होता था। अच्छा। अब नहीं होता, तो इसलिए सरकार बदलना। सरकार तो दावा कर रही है। नहीं, दावा करो जाओ, कागजों में दावा करते होंगे, हकीकत तो ये है नहीं। अच्छा। तो सरकार बदलने की उसमें है, तो बदल रही है। हाँ लग रहा है। तो फिर दूसरे लोग भी खड़े हैं कुछ, टक्कर लगती है? हाँ टक्कर है यहाँ पे। किस किस की? यहाँ तो बस आरएलडी, हमारा गांव तो पूरा आरएलडी है लगभग। अच्छा, ये गांव पूरा आरएलडी को? हाँ। ऐसा क्यों? बस किसानों का गांव है और किसानों की पार्टी है, इसलिए आरएलडी को वोट देंगे। आप क्या कहेंगे सन 2022 को कैसे देखते हैं? अच्छा, आप किसान तो हैं? नाम क्या है आपका? शहीद है जी, मेरा नाम शहीद है। तो हाँ जी, आप कैसे देखते हैं? मुस्लिम समुदाय से है तो सपा को देखते हैं, आरएलडी के गठबंधन है या भाजपा को देखते हैं? आरएलडी को जी। ऐसा क्यों? भाजपा का कार्यकाल पसंद नहीं है? योगी पसंद नहीं है? ना जी, योगी पसंद नहीं है। क्यों, काम बढ़िया नहीं हुए? ना जी। किसानों को तो जो विल थे वो भी वापस ले लिया, तो खुश नहीं आप? हाँ जी। ना जी, खुश नहीं है? ना जी। काय की खेती करते हैं? अरे दुकान है हमारी तो, परचून की दुकान है। तो हाँ, बढ़िया चल रही। हाँ जी। तो व्यापार के हित में तो कौन सी सरकार बढ़ी है? बस आरडी के तो चक्कर में लगे जी, यही ठीक है। टक्कर लग रही? हाँ जी। जीत जाएंगे? हाँ जी। आप क्या कहेंगे? अरे मेरी समस्या तो बस गन्ने की। गन्ने की? हाँ। नाम क्या है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, हाँ यही रहने वाले हैं जी। तो 5 साल में विधायक देवेंद्र निम भाजपा से थे, तो कुछ काम वाम हुए? 5 साल में तो आया भी नहीं बेचारा यहाँ। लो आए भी नहीं? ना, शक्ल नहीं देखी, बस ये देख के भी ज्यादा लक्षण में आया था। अच्छा, तो क्या लग रहा है फिर यहाँ टक्कर किसकी, देवेंद्र निम की है विवेकांत के साथ या नहीं है? बजी टक्कर का तो पता ये भी चलेगा जी, वोट पड़ेंगे अगर यहाँ तो वोट आरएलडी की ज्यादा है। आरएलडी की ज्यादा है, तो
किस तरह के विकास कर रही है आरएलडी? पहले कभी आई यहाँ पे? ना जी, पहले नहीं आई आरएलडी की। तो एकदम से लहर का क्या मतलब हुआ? बस लहर तो यही है, जाटों की है बस। ये जाटों की है। हाँ। योगी जी यहाँ पे गन्ने की बात कहाँ कर रहे हैं? गन्ने की तो बात कोई नहीं कर रहे योगी जी यहाँ। गन्ना अधिकारी तो कह रहे हैं कि 14 दिन में भुगतान हो रहा है, मिल रहा है आप लोगों को? पिछले साल का भी पेमेंट नहीं आया जी, अपनी पर्ची ठहरा दिखा देंगे अभी। अगर ये जो कह रहे भाजपा वाले 14 दिन में पेमेंट ठहरा, और ये था 14 दिन में पेमेंट क्या अगर नहीं आता तो ब्याज सहित मिलेगा। यहाँ ब्याज तो छोटा, यहाँ पेमेंट भी नहीं आ रहा पिछले साल का। अच्छा, तो ये मतलब इनके दंगे के अलावा इनके और कोई एजेंडा नहीं है? ये भाईचारे में बात नहीं करते, विकास पर बात नहीं करते, सड़क पर बात नहीं करते, इनके बस दंगा 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 इन्होंने यही ठा रखे। इनके बड़े दंगे की अगर बात करें तो योगी जी ने एक ट्वीट किया है कि दंगा करने वाले दो भाई आ रहे हैं, दो लड़के आ रहे हैं, अखिलेश और जयंत, इस पर क्या कहना है? देखिए वो तो अखिलेश जी विकास पुरुष है। अच्छा, उनके टाइम में यहाँ पे विकास हुआ, सड़कें तो उनके टाइम में बनी है, हाईवे उनके टाइम में बने हैं। आप देखिए दंगे की बात कौन कर रहा है? वो यहाँ पश्चिम के दंगों की बात तो वो नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले दंगों की बात कर रहे हैं यहाँ। अखिलेश और जैन जी तो नहीं कर रहे, और जैन जी किसानों की बात करते हैं, किसानों की पार्टी है, और आज तक उन्होंने दंगे पे कोई बात नहीं की। और जैन जी ने भाईचारा सम्मेलन चलाया, हिंदू मुसलमान सभाएं हैं, तो जैन जी जोड़ने की बात करते हैं और ये सपा ये बीजेपी वाले तोड़ने की बात करते हैं। किसान आंदोलन चला एक साल 13 दिन, कई किसानों की मौत हुई योगी सरकार में, तो कैसे देखते हैं? किसान 700+ किसान भाई शहीद हो गए। मोदी जी ने एक बार उन पर कुछ दुख प्रकट नहीं करा। बस ये है दंगे की बात करते हैं, पश्चिम आते हैं ना दंगे याद आ जाते हैं। जब पश्चिम आते हैं चौधरी चरण सिंह जी याद आ जाते हैं ना। चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर अगर ये चलते आज किसान खुशहाल होते। चौधरी चरण सिंह जी ने तो कानून पास करवाए थे 14 दिन में भुगतान हो, वरना ब्याज सहित हमें हमारा मूल जो ब्याज है वो मिले हमें। ये अगर चौधरी चरण सिंह के अनुवाई बताते हैं अपने आपको, अगर ये उनकी विचारधारा पर चलते तो आज ये काम ना करते। 14 दिन जो गन्ना मंत्री जी हैं हमारे सुरेश राणा, उनके क्षेत्र में आप जाओ, अगर वहाँ कोई कहता कि 14 दिन में पेमेंट हो रहा है, उनका वहाँ विरोध है। उनका तो कहना है कि 14 दिन में पेमेंट, वहाँ जाओ आप, वहाँ उनका ही विरोध है कर रहे हैं लोग कि गन्ना मंत्री के क्षेत्र में ही जब पेमेंट नहीं दिला पा रहे तो वो यहाँ क्या करेंगे। और ये आप पूरे आप देखना, जब गांव से निकलेंगे 2-4 घर हैं बीजेपी के, ये जो 2-4 घर हैं ये क्या नाम विधायक जी के खास है, तो ये तो बीजेपी की बात करेंगे, वरना एक तरफा लहर है। इसीलिए बात कर रहे हैं, एक तरफा लहर इस गांव तक लोकदल की चल रही है। और इस गांव में नहीं, यहाँ हमारे जो किसानों के सारे गांव हैं सब एक तरफा लोकदल की लहर है। आप जाओ बात करो, सब एक तरफा लोकदल है यहाँ। और इस बार लोकदल यहाँ से भारी मतों से जीत के जाएगा, और देवेंद्र नीम जी तो यहाँ 3rd नंबर पर रहेंगे। फाइट तो हमारी बसपा से है यहाँ। तो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा देवेंद्र? इस गांव में एक ईंट भी लगा रखी 5 साल में, अगर ईंट भी लगा रखी हो यहाँ सारे भाई बैठे कि अगर देवेंद्र नीम जी ने यहाँ ईंट भी लगा रखी हो तो मुझे बताया जी, और तो बात करोगे आप? ईंट तक नहीं लगी, ईंट भी नहीं। क्या लगता है सन 2022 में किसकी सरकार आने वाली, कोई टक्कर में मानते हैं? योगी, ऐसा क्यों? योगी मोदी विकास कर रखा है उन्होंने। क्या विकास कर दिया? सड़क बनवा दी, गुंडा राज खत्म कर दिया, अच्छा पेमेंट हो रहा, 21 चीनी मिले बंद थी वो चलवा दी, और क्या चाहिए? चीनी मिल की बात कर रहे हैं, किसान तो कह रहे हैं कि 1 साल पुराना गन्ने का बिल का भुगतान ही नहीं हुआ। भुगतान तो हो रहा, कहाँ हो रहा? वो तो कह रहे हो नहीं रहा। तो सभी कहेंगे यार भाई हो नहीं रहा, हो रहा भुगतान, हो क्यों ना भुगतान हो रहा। हाँ। जी भुगतान हो रहा या किसी का बोल रहे, सारे किसान बैठे हैं। हाँ। किसी का एक का भुगतान हो रहा हो 14 दिन में, तो जब कह दियो। मैंने आपको बता, हर घर में जैसे हर घर एक घर सबके कहे बन चलता जी। हाँ। हर घर की समस्या है, अब हर घर में तो आदमी नेता हो रहा, अलग अलग विचारधारा ले रहा, तो इस गाँव की भी ये 2-4 भटक रहे, जो 2-4 घर बीजेपी के जा रहे हैं वो यहाँ नहीं, एक तरफा यहाँ लोकदल है। लोकदल है, जब यहाँ खुलेंगे बक्से, जब इन्हें पता लग जाएगा यहाँ लोकदल है या बीजेपी है, यहाँ बीजेपी 3rd नंबर पर होगी गांव में ही। तो विवेकानंद का और देवेंद्र नीम की कोई टक्कर वक्कर है कि यहाँ इस गांव में? तो देखो जी, एक तरफा विवेकानंद जी जीतेंगे, एक गठबंधन की लहर है, एक तरफा इस क्षेत्र में गठबंधन की लहर चल रही है, और भारी बहुमत से यहाँ से हमारा प्रत्याशी विवेकानंद जी जीतेंगे, और अखिलेश यादव और जैन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और आरएनडी किसानों की पार्टी है, हमें तो उससे ही उपेक्षा है जी, जो हमें कर सके वो आरएनडी दे सके। लास्ट हमने 2017 में यहाँ पे पूरे गांव ने एक मत होकर बीजेपी को वोट दिया था, आप पूछ लो, हाथ खड़े करवा लियो,
सब ने बीजेपी को वोट दे रखा 2017 में, और अब हाथ खड़े करवा लियो 2022 में कौन बीजेपी को वोट देगा? ये दो ही आदमी निकले यार, साल में कोई बढ़िया काम नहीं करे, कुछ नहीं है जी। देवेंद्र निम ने इस गांव में ईट मिल लगा रखी। अच्छा, अगर कोई कह दे इस गांव में ईट लग रही हो, विधायक जी ने यहाँ ईट लगवा रखी हो, तो जी हम कहेंगे यहाँ विधायक जी हम चुनाव के टाइम में देखे थे जी, हमने दोबारा चुनाव के टाइम में वापसी दिखे। योगी जी तो यूँ कह रहे हैं सपा में गुंडा राज है, वो तो परिवारवाद करते हैं। परिवारवाद तो सब मैं राजनाथ जी के बेटे उन्होंने टिकट नहीं लिए, परिवारवाद तो सारी पार्टी में है, ऐसा नहीं है कि समाजवादी में ही है। और समाजवादी मानते हैं यानी कि नहीं मान, ये देखो भाजपा के, ये बताओ आप भाजपा में परिवारवाद नहीं है? भाजपा के नेताओं के लड़कों को या लड़कियों को टिकट नहीं मिले? अगर आप बात कर रहे हैं आप ये बताओ तो सपा, मैं आपको बता दूं मुलायम सिंह की जो बहू है अपर्णा, तो वो तो भाजपा में चली गई, तो फिर वहाँ तो परिवारवाद तो वहीं से शुरू हो गया। तो उनका उनका कोई वजूद नहीं है। क्यों वजूद नहीं है? नहीं, परिवार की सदस्य नहीं है तो उन्हें टिकट नहीं देते। ये परिवारवाद का जो दब्बा था यही तो मिटाने के लिए अखिलेश जी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जब तो टिकट के लालच में वो बीजेपी में भागी। अच्छा, तो ये तो परिवारवाद तो वहीं से शुरू, परिवारवाद अखिलेश यादव जी परिवारवाद का दब्बा ही तो खत्म कर रहे हैं। उन्हें टिकट नहीं दे रहे थे तो वो बीजेपी में चली गई, उन्हें तो टिकट चाहिए। तो परिवार के सदस्य किसी और परिवार में चले गए। ये जब राजनीतिक उपेक्षा है, ये अगर यहाँ से टिकट नहीं मिलता तो वहाँ से है। अच्छा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, यहाँ तो एक तरफा लोकदल है, लोकदल ही रहेगी। भाजपा यहाँ तो इस गांव में तीसरे नंबर पर रहेगी जी। तो कैसे दो चार घर की वोट निकले, यहाँ भाजपा की गिनके 50 वोट तो ऊपर यहाँ भाजपा को वोट नहीं निकलना। क्या कहेंगे भाजपा के लिए, कह रहे की वोट नहीं मिलेगी, भाजपा तो नंबर वन रहेगी। अरे 10 वोट निकलेंगे गाँव से इनकी। अच्छा, तो साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा। ये क्या कह रहे हैं? ये तो जी इनका भ्रम 10 मार्च को दूर हो जाएगा, यहाँ कमल अच्छा। खिलेगा या नलका चलेगा। अच्छा। नलके मत इतना तेज पानी बहाओगे, जब कमल कीचड़ होगा यहाँ से कीचड़ में दस जगह कमल। इनका कमल जो है यहाँ टॉप फिर रहे, और 5 साल में विधायक जी यहाँ इस गाँव में आई नहीं। अगर कोई कह दे यहाँ की 5 साल में यहाँ विधायक जी आए हो और यहाँ ईट भी लगाई हो, क्या कहेंगे? विधायक जी आते हैं, आते हैं तो हर उसमें आते हैं, इसमें कोई समारोह हो, शादी समारोह हो, या कोई किसी के वो तेरी वगैरह हो, सब आते हैं, वैसे भी आते हैं। समारोह को छोड़ दो, काम वाम कर रहे कि नहीं? हाँ, काम क्यों नहीं कर रहे? विकास कर रहे हैं। हाँ, विकास की टंकी पास होगी, सड़क पास होगी। मैं बताऊंगा आप क्या कहेंगे। पहले डॉक्टर साहब से पूछो तेरी में कौन सा विकास हो। अरे आने की बात हो रही, आने तो क्या हो रहा, तो जब कोई बात है आने की बारे में पूछा और पूछो। आप आपका नाम क्या है? मणिक चौधरी। क्या लग रहा है किसकी टक्कर अभी? आरएलडी की, आरएलडी है, आरएलडी है। जैन चौधरी। किसके साथ टक्कर है फिर? बसपा के साथ है। देवेंद्र निम का है फिर? तीसरे नंबर पे। कोई काम वाम हुआ है कि नहीं उनके कार्यकाल में? कुछ भी नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। हमने 5 साल पहले देते हैं और परसों आए थे देखे, दो वोट मांगने आ गए, आज जोड़ते हुए आए। तो क्या लग रहा फिर? आरएलडी है और कुछ नहीं, बस जैन चौधरी है, जैन चौधरी है। योगी राज में लखीमपुर हिंसा में इतने किसान मारे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो बीजेपी वाले गुंडे हैं, ये तो एक करीब गुंडे लगे। ये भी यहाँ का नंबर लगने वाला, इसी मारो आरएलडी आऊंगी। आरएलडी आ रही। आपका नाम? ईशान चौधरी। ईशान, आप एक युवा है तो क्या लग रहा है कौन सी सरकार बढ़िया है, किसे देखते हैं सन 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में? विधायक देख का हमारा मुल्लू बने लियो, भाजपा के मुल्लू की टक्कर है तो तीसरे नंबर का लोकदल। अच्छा, लोकदल तीसरे नंबर पे है, ऐसा क्यों? ऐसा देख लियो 10 तारीख को। तो मुल्लू जी ने कुछ काम वाम कर रहे की नहीं कर रहा? निकला तो ऊपर 10 साल विधायक ही रह गए, काम निकला उनके सबसे ज्यादा कार्य किया। जैसे कि सड़क देख लो और देख लो, अच्छी चीज करी मुल्लू ने। ये तो कह रहे कि देवेंद्र, वो अंकल तो कह रहे कि देवेंद्र नीम ने बढ़िया काम कराया, तेरहवीं में भी आ रहे, शादियों में भी आ रहे, वो इनके घर ही आ रहे ना, मैंने तो सांसद देखे नहीं कहती। ये कह रहे टंकी पास कर दी, टंकी तो सांसद के टाइम में पास कर दी थी, तो लगी नहीं, लगी टंकी तो पानी पिया नहीं टंकी का उसका, पिया ही नहीं आज तक, पिया नहीं आज तक पानी उसका, कोई नहीं टंकी लगी। तो मोल्लू जी को कैसे देख रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं? अच्छे नजरों से देख रहे हैं। काम वाम करा था? हाँ, काम करा, काम करा, बहुत बढ़िया छवि के नेता है मोल्लू। बड़ी छवि। आप क्या कहेंगे छवि के नेता? मोल्लू जी विधायक तो बढ़िया है, अगर जी 3 महीना 13 में उनका वोट देगा करना क्या? अच्छा, 3 महीने 13 में नहीं,
बस पदों खत्म है इतना नहीं पता है तो तीसरे नंबर पे इतना नहीं पता मैं अगर बात करूं टक्कर भाजपा की और बसपा की है आप देख लियो 10 तारीख को देख लियो जब पोलिंग चला गया क्या नाम है आपका गांव के प्रधान है गांव के प्रधान है आप पूर्व प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ है तो किस तरह से देखते हैं सन 2022 के चुनाव को टक्कर किसकी है टक्कर तो जो अच्छे काम करेगा वो उसे दी जाएगी किसने करे भाजपा की सरकार में अभी आपने जयंत का नाम लिया जयंत पर ना तो पहले कोई केस था ना उसके बाप पर कोई केस है ना उसके बाबा पर कोई केस है इतनी बढ़िया छवि का नेता मुझे तो कोई लगता नहीं वैसे झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है तो यूं कह रहे हैं कि परिवारवाद है दबकेवाद है दोनों भाई आ रहे मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं आपको उनकी असलियत बता दी उनके परिवार में आप भी उस पर जो है कहीं भी किसी से भी पूछ लो अगर एक भी केस हो बाबा तक अरे इन पर केस है सारों पर कोई भी ऐसा नेता नहीं बच रहा जिस पर केस ना हो और भी लोग मौजूद हैं अब युवाओं से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं नाम क्या है आपका तुषार चौधरी है क्या करते हैं आप मैं स्टडी करता हूं स्टडी कर रहे हैं तो किस तरह से देखते हैं सन 2022 को किसकी टक्कर है यहाँ पर गाँव में तो आरएलडी और बीजेपी की बीजेपी की है बीजेपी की अगर बात करें तो पिछले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा से देवेंद्र निम रहे तो क्या काम रहा उनका काम ठीक रहा नहीं किस तरह से काम हुआ गांव में तो कुछ हुआ नहीं गांव में कुछ नहीं हुआ फिर ठीक कैसे हुआ ठीक ही है उनकी नजरों में तो ठीक ही है अच्छा मैं जमिंदर मेरा नाम और पश्चिम में अगर लहर लोकदल की है पूरी तरीके से इस तरह से क्यों मतलब आरएनडी की लहर क्यों आरएनडी की लहर इसलिए उनके मुद्दे हमेशा किसानवादी रहे हैं चौधरी अजीत सिंह को जब भी मौका मिला उन्होंने किसान हित में काम किया पश्चिम में 42 मिल उन्होंने लगवाए और अब जयंत जी को और अखिलेश जी को मौका मिलेगा तो भी वो किसानों के लिए अच्छे काम करने का काम करेंगे योगी जी कह रहे हैं 10 मार्च को दोनों के दोनों रफू चक्कर लखनऊ जाएंगे शपथ लेने के लिए अच्छा हाँ जी ऐसा लग रहा है हाँ जी तो योगी जी कहाँ जाएंगे कमल नहीं मिल रहा है फिर नहीं नहीं कमल कहीं नहीं मिल रहा है मुख्यमंत्री किससे चुनेंगे आप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे अच्छा लग रहा है बिल्कुल युवा है इसीलिए कह रहे हैं या विकास का मुद्दा देख रहे हैं भाई जो गठबंधन सपा सरकार में लगातार दंगे भी हुए नहीं दंगे की ये बात देखो दंगा होना हो गया दंगा अब दंगे भूलने वाली बात है अगर बार बार दंगों को याद किए जाएंगे तो कब कैसे तो साधारण वोट ना अपना गलत है अब विकास के नाम पे वोट दी जाएगी रोजगार के नाम पे वोट दी जाएगी और गन्ने के नाम पे वोट दी जाएगी क्योंकि गन्ने ने हम लोगों को मजबूत कर दिया तो योगी जी तो कह रहे हैं कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो रहा है गन्ना मिलों में 14 दिन के 14 महीने में भी नहीं हो रहा है नहीं हो रहा 14 महीने में नहीं हो रहा तो विकास कौन कर पाएगा गठबंधन वाले करेंगे जी हाँ इसका पिछले साल का पेमेंट 30% रह रहा है और ना तो पता नहीं कब चालू होगा 14 महीने में पेमेंट नहीं हो रहा हो नहीं रही तो कौन करवा देगा फिर पेमेंट पेमेंट जयंत चौधरी करवाएंगे लग रहा उनके घोषणा पत्र में अगर नहीं यकीन आता है घोषणा पत्र में है कि 14 दिन के अंदर पेमेंट कराएंगे नहीं तो उस मिल का ऑडिट घोषणा पत्र की अगर बात करें तो चुनाव से पहले अलग अलग नेता अलग अलग वादे करते हैं और फिर से रफू चक्कर हो जाते हैं जब जीत जाए मतलब नहीं जो है चौधरी परिवार इसने जो भी वादा किया या तो वादा किया नहीं किया तो उस वादे को पूरा करके दम लिया जाटों की कितनी आबादी है यहाँ 600 के आसपास वोट है तो किस तरह से लग रहा है कि कहाँ है उनका समर्थन आप बता दिया पश्चिम में लहर लोकदल की है और ये लहर यहाँ से चलेगी और पूरा पूर्वांचल तक जाएगी अच्छा आरएनडी की तरफ तो भाजपा और बसपा कहाँ है फिर कांग्रेस भी नहीं लग रही मुझे कहीं नहीं है यहाँ तो सारी वोट आरएनडी की रहेगी आरएनडी को ही क्यों चलेगी किसान की पार्टी है जी और अब उम्मीद है बीजेपी वालों ने किसान का कुछ नहीं करा एक काम भी उन्होंने अब तो कृषि कानून भी वापस ले लिए अभी नहीं और जगह तो दवाइयों पैसे बढ़ाए थे कीटनाशक दवाइयों पे सारी जगह तो महंगाई कर दी खाद भी उपलब्ध करा रही होगी सरकार तो टाइम पर मिलता नहीं खाद टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा लाइन में लगना पड़ रहा खाद किसानों के खाते में पैसे भी जा रहे हैं अब तो 2000 रुपए जमे 1000 खाते में तेल भूगना पड़े अच्छा कभी का यो कागज नहीं पूरा कभी का तो बढ़िया विकास कौन करा फिर जयंत चौधरी कराएंगे
आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव चौधरी है। गौरव चौधरी जी, आप एक बात बताइए, सन 2022 में किस तरह से देख रहे हैं, किसे चुनेंगे अपना मुख्यमंत्री? हमारा मुख्यमंत्री तो देखो जी आरएलडी है, मतलब लोकदल और ये सपा का जो गठबंधन है यही है। क्यों, योगी सरकार के कार्यकाल से आप खुश नहीं है? ना जी, बिल्कुल नहीं है। बढ़िया काम करवाया उन्होंने तो, कुछ नहीं करा जी। किसानों के लिए भी अब कृषि कानून वापस हो गए हैं, किसानों को पैसे मिल रहे हैं, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, महिला सुरक्षित समझती है खुद को। मैं ये कह रहा जी देखो, हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ना पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, और जैसे कि खाद बीज मिलता है 2.5 कट्टा पहले 1100 रुपए का था, अब 1700 रुपए का है। उन्होंने बिल कौन सा माफ हुआ जी? हमारा कोई बिल ना माफ नहीं हुआ जी, ना कुछ नहीं हुआ। महिला और दूसरी कंडीशन, हम खेलते हैं यहाँ पे, हमारे गांव में से नेशनल प्लेयर भी है, उनके लिए ना कोई ग्राउंड की सुविधा है, ना खेल की सुविधा है, ना कोई सामान की सुविधा है। तो भाजपा से विधायक देवेंद्र निम्ने कोई काम नहीं करा? कुछ नहीं करा जी, आगे देखा भी नहीं। रसगुल्ले खाना है जी, में रसगुल्ले खाना। जब इस चीज में ये कहना चाह रहा है जी, जो स्पोर्ट्स के लिए हमें ग्राउंड चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वो होनी जरूरी है। तो विधायक ने बनवाए नहीं, कुछ नहीं बनवाया, ना कोई ग्राउंड है गांव में, ना कुछ कभी सामान उपलब्ध कराया। चंदेड़ा गांव में भी यही रिक्वायरमेंट हुई कि जो उनका इंटर कॉलेज है उसमें ग्राउंड के लिए उनका जो बंद करवा दिया, तो उसी के लिए बहुत मुद्दा उठा रखा। चंदेड़ा गाँव में से भी नेशनल प्लेयर है, हमारे गाँव में से भी नेशनल प्लेयर है, पर यहाँ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। अगर सुविधा उपलब्ध होगी तो तभी तो आपके बच्चे बढ़ेंगे, वरना कैसे बढ़ेंगे? तो यूं कह रहे कि लगातार भ्रमण करे मैंने क्षेत्र में, बहुत विकास करे, जनता कुछ तो नहीं करा जी, यहाँ से ही एक बार भी आएगा नहीं पड़ता। बताया था मैं रसगुल्ले खाना है, वोट मांगनी है तो तेरी माँ है, तेरी माँ है, छठी नहीं छोड़ दे किसी की। हाँ जी, मैं तो रसगुल्ले खा दिया है, विकास तो करना आते ही नहीं। हाँ जी, यहाँ से बिल्कुल नहीं आते, मैं तभी आते हैं जब वोट मांगनी होती है, वैसे कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहेंगे जी, अब बीमारी होगी, सरकार आओगी, योगी सरकार आएगी, ये तो कह रहे सपा आएगी। अजी ने कहा था क्या हो रहा है, अमित शाह घूम रहे देवबंद वाले सहारनपुर, मुझे अपने घर में अभी बार योगी सरकार आओगी हरा दूंगा। अच्छा, क्या विकास होगी योगी सरकार में से? अजी सारा बढ़िया काम हो रहा है, रात को 12 बजे कोई दिक्कत ही नहीं है, आग मिच में उठ से चलाओ जाओ, ना चोर ना चपके कुछ भी नहीं है, हाँ सब बढ़िया है। अब तो सपा यूँ कह रही कि 300 यूनिट फ्री भी दूंगी और नौकरी भी दूंगी युवाओं को। अच्छा, योगी सरकार में किसानों के सबके मौज है, तो बस कहने की बात है, मौज हो रही। हाँ जी मौज, नहीं तो कह रहे उनका गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा साल भर का पहले। बहुत पैसा है, तो क्या दिक्कत है, देखो पैसे ही पैसा है, ज्यादा पैसा आ गया, सब बहुत समझ आ रहे हैं। तो विकास हुए यूँ लग रहा है, विकास बहुत ज्यादा हो रहा जी। तो कौन आ रहा फिर से, देवेंद्र नहीं मारे? हाँ देवेंद्र नहीं, तो खैर विधायक तो बढ़िया है नहीं जी। अच्छा, योगी सरकार चाह रही है हमें, योगी सरकार चाहिए देवेंद्र नहीं? ना ना, देवेंद्र नहीं नहीं चाह रहा, देवेंद्र नहीं तो बेकार है, बेकार कुछ नहीं करा। तो विवेकानंद भी तो अभी टक्कर में है, क्या लग रहा है किसकी टक्कर है? टक्कर तो यहाँ से हाथी की है जी, हाथी की। हाँ जी, मोल्लू जी की। हाँ जी, मोल्लू जी तक इस सीट से तो, लेकिन सरकारी होगी चाह हमें। अच्छा, ऐसा क्यों? बस ऐसा ही है जी, हमारे दिलों पर आज भी रखा है सरकार ने, कोई दिक्कत नहीं है, मजे आ रहे। कभी यहाँ पर देखा आपने लोगों की अलग अलग राय थी, किसानों के मुद्दे भी यहाँ पर अलग अलग थे, सभी का कहना है कि योगी सरकार में साल भर के बाद भी गन्ने का भुगतान नहीं होता है। जो सपा के छाने वाले हैं या योगी के छाने वाले हैं, उनकी अलग अलग राय आपने यहाँ पर देखी। मैं प्रीति चंद्रा, कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ।